जानना चाहेंगे। मैं शैलेंद्र शर्मा व्यापार मंडल से हूँ। आज हम लोग ये मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय के कार्यालय पर आए थे मिश्रगंज कंटेनमेंट जोन को समाप्त कराने के लिए। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पिछले दिनों से हमारे प्रमुख बाज़ार बैरिकेडिंग लगा के बंद कर दिए गए हैं, और जब हमने जानकारी ली थी तो ये पता चला था कि ये बाज़ार कंटेनमेंट जोन होने की वजह से बंद है, क्योंकि यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। तो जो कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के कारण कंटेनमेंट जोन का क्राइटेरिया है उसके हिसाब से 21 दिन पश्चात बाज़ार खुल जाने चाहिए, वो एरिया खुल जाना चाहिए जिसमें हमारे बाज़ार केंद्रित हैं। तो चूँकि मंदिर वाली गली में पिछले दिनों 23 तारीख को एक कोरोना पॉजिटिव केस निकला था, और उसके कारण हमारा पूरा मिश्रगंज क्षेत्र और समीपवर्ती एरिया बाज़ार सफदरगंज भी जिसमें शामिल है, वो बैरिकेडिंग के द्वारा कंटेनमेंट के नाम पर बंद था। तो हम लोग उसको खुलवाने के लिए यहाँ आए थे, हमने ज्ञापन दिया है, और यहाँ आने के बाद हमें बड़ा संतोष इस बात का हुआ कि इन लोगों ने पहले ही ये अनुशंसा कर दी कि कल से वो खोल दिया जाए। क्या क्या दिक्कतें आ रही थी आप लोग? देखिए, बाज़ार पूरा बंद है, दिक्कत यार पूरा बाज़ार बंद है। मिश्रगंज प्रमुख क्षेत्र है, उस मंदिर वाली गली के नाम पर पूरा मिश्रगंज का क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। लेकिन कोरोना की सावधानी, कोरोना के खतरे से भी हमें जूझना है, उसके बारे में भी सावधानी बरतना है, इसलिए हम लोगों ने 21 दिन की समय अवधि का पालन किया है। लेकिन अब 21 दिन पूरे हो गए तो हमारी व्यावसायिक गतिविधियां पुनः चलनी चाहिए, हमारे बाज़ार खुलना चाहिए, यही मांग करने के